खबर आ रही है ललितपुर से। पुलिसकर्मी का बेरहम चेहरा आया सामने, दलित युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट का वीडियो वायरल, मुंह पर लात मारते वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। सिपाही अभिषेक तिवारी ने दी गोली मारने की धमकी। और ये ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं, सिपाही और दलित युवक की हुई थी बाइक की भिड़ंत। बाइकों की भिड़ंत में सिपाही मांग रहा था युवक से 50,000 रुपए। कोतवाली तालबेहट में तैनात सिपाही अभिषेक तिवारी का ये चेहरा, 25,000 देने के बाद बकाया पैसों की मांग को लेकर मारा। ललितपुर का ये मामला, पुलिसकर्मी का ये बेरहम चेहरा आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर दलित युवक से मारपीट का ये वीडियो वायरल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ललितपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ शैलेंद्र जैन। जी शैलेंद्र, शैलेंद्र आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मामला है ये पूरा, जिसमें पुलिसकर्मी ने लात मारा है दलित युवक को। है जहां एक अभिषेक तिवारी पुलिस थानेश्वर द्वारा एक दलित को लात मारने का और 25,000 रुपए बाकी के मांगने का मामला सामने आया है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दूं कि यह अभिषेक तिवारी का बाइक से दलित युवक के साथ बाइक भिड़ंत हुई थी, जिसमें इसने 50,000 रुपए की मांग की थी। दलित युवक द्वारा 25,000 रुपए अपने मां के गहने रखने के बाद दे दिए गए थे, उसके बावजूद 25,000 रुपए और न मिल पाने के कारण अभिषेक तिवारी पुलिस कांस्टेबल द्वारा दलित युवक को लातों से मारा गया, गाली गलौज की गई, साथ ही गोली मारने की धमकी भी दी गई। अब इस पूरे मामले पर यह जब वीडियो वायरल हुआ है तो अब पुलिस क्या संज्ञान ले रही है, इसके जो आला अधिकारी हैं वो क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करेंगे, ये आगे वाला समय बताएगा। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर आ रही है जी, और यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहेंगे वो वीडियो, वो वायरल वीडियो, जिसमें पुलिसकर्मी अभिषेक तिवारी दलित युवक के मुंह पर लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की बाइक के भिड़ंत का ये मामला था, जिसको लेकर पुलिसकर्मी ने 50,000 रुपए की मांग की थी। 25,000 रुपए युवक ने पहले ही दे दिए हैं और बाकी 25,000 को लेकर ये मामला सामने आया है। और इसी बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर हमारे